आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक योद्धा की तरह अपनी टीम को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और खुद के सपनों के साथ साथ अपने साथियों के सपनों को भी पूरा करते हैं। वहीं कुछ उनकी कहानी में सिर्फ सपोर्टिंग किरदार बनकर रह जाते हैं। वैसे 9 से 6 की नौकरी करने वाले एम्प्लॉयज इस बात को बेहतर समझते हैं कि दिलो जान से मेहनत करने के बाद भी वाह वाह ही सिर्फ लीडर के हिस्से आती है। ऐसे में कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर वो ऐसा क्या अलग और अनोखा करते हैं जो उन्हें ऊपर उठाता है? 8 घंटे की मेहनत के बाद भी ताज लीडर के सिर क्यों होता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम पावरफुल लीडर्स के 15 ऐसे गोल्डन रूल्स बताने वाले हैं जो इन्हें सबसे अनोखा बनाते हैं। रूल नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। भीड़ से हटकर चलने वाले लोगों में सबसे अनोखी ताकत उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। दूसरों से बराबरी करने से बेहतर वो खुद की स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हैं और हर चुनौती में खुद को सबसे आगे खड़ा करते हैं, चाहे मौका किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का हो या टीम को सही दिशा में गाइड करने का। गट्सी, बोल्ड और बैडएस एटीट्यूड एक लीडर की पर्सनालिटी का हिस्सा होती है। नंबर 2, डेवलप अ क्लियर विजन। सफलता का सफर हमेशा एक क्लियर विजन से शुरू होता है जो आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जाता है। किसी भी मिशन पर काम करने से पहले गोल और विजन का होना जरूरी है। केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, सही और सटीक दिशा में अपनी मेहनत को मोड़ना भी बेहद जरूरी होता है और ये सब कुछ एक क्लियर विजन से आता है। इसलिए एक लीडर हमेशा गोल और विजन के साथ चलता है और टीम एफर्ट को सही सांचे में ढालना जानता है। रूल नंबर 3, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम। परिणाम की जिम्मेदारी लेना एक शानदार लीडर के नेचर को दर्शाता है। क्षेत्र चाहे खेल, राजनीति, जंग का हो या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, लीडर वही शख्स बनता है जो परिणाम की जिम्मेदारी उठाने में हिचकिचाता नहीं है। एक कामयाब लीडर अपने टीम की हर गलती को अपने सिर लेता है। किसी एक सदस्य को दोष देने के बजाय वो सबको साथ लेकर चलता है। ज्यादा दूर ना जाते हुए अपने वर्कप्लेस पर ही आपको ऐसे लीडर मिल जाएंगे जो प्रोजेक्ट की खामियों को अपनाकर टीम को सही विजन दिखाते होंगे और इसके विपरीत प्रोजेक्ट के सफल होने पर इसका श्रेय टीम एफर्ट को देते होंगे। यही एक क्रेडिबल लीडर की सही पहचान है। रूल नंबर 4, केयर अबाउट द टीम, दे विल केयर अबाउट योर मिशन। इस बात को समझना जरूरी है कि जॉब प्रोफाइल या टाइटल से कोई सच्चा लीडर नहीं बन सकता। अपनी टीम को जिताना और उनसे शिद्दत से काम करवाना ही एक अच्छे लीडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए मिशन को ध्यान में रखते हुए टीम के लोगों की परवाह करना और उन्हें महत्व देना भी जरूरी होता है, तभी वो मिशन में आपके साथ खड़े रहते हैं। ध्यान रहे, वो कभी लीडर नहीं बन पाता जो सारी मेहनत खुद करे, बल्कि दुनिया उसे याद रखती है जो टीम को लीड करते हुए उनसे भी मेहनत करवा सके। रूल नंबर 5, सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट। जैसे पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए समय समय पर खाद, मिट्टी और पानी की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह एक लीडर को सेल्फ इन्वेस्टमेंट की खास जरूरत होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी इंसान बॉर्न लीडर नहीं होता और ना ही वो कोई खास एबिलिटीज के साथ पैदा होता है। अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए खुद पर काम करना और अपनी आर्ट को मास्टर करना जरूरी होता है। कहते हैं ना कि सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, इसलिए लगातार नई चीजें सीखते रहना, नए लोगों से मिलना और एक्सपीरियंस लोगों की सीख से अपनी स्ट्रेटेजी बदलना एक कामयाब लीडर को अच्छे से आता है। रूल नंबर 6, सेट द स्टैंडर्ड्स हाई। लीडर की कुर्सी पर बैठा वो शख्स एम्प्लॉय को कभी पसंद नहीं आता जो खुद आराम फरमाकर सभी साथियों को जी तोड़ मेहनत करने का भाषण दे। एक सच्चे लीडर से उम्मीद होती है कि वो वर्क एथिक्स का स्टैंडर्ड काफी हाई सेट करे, ताकि इसके ऑर्गेनाइज वर्क से टीम को भी बेहतर करने की इंस्पिरेशन मिल सके। लेकिन अगर लीडर खुद मिशन पर फोकस नहीं है तो बाकी साथियों से परफेक्ट वर्क की उम्मीद करना बेवकूफी है। इस तरह की गलतियाँ प्रोजेक्ट को फेलियर के गड्ढे में ढकेल देती है। रूल नंबर 7, कम्युनिकेट प्रॉपरली। एक महान लेखक ने कहा है कि बोलने की कला ही लीडरशिप की भाषा होती है। कहने का मतलब है कि एक अच्छा लीडर उसी पर्सनालिटी में छिपा होता है जो अपनी बात को रखना और लोगों को समझाना जानता है। उदाहरण के लिए, आपके दिमाग में चलने वाला शानदार बिजनेस प्लान तब तक लोगों तक नहीं पहुंच सकता जब तक आप उसे सबके सामने ना रख पाए, और ये स्थिति एक नहीं बल्कि सभी प्रोफेशंस पर सटीक बैठती है। इसलिए अगर आप भी अपनी बात ऑफिस में 4 लोगों के सामने रखने से हिचकिचाते हैं तो ये एटीट्यूड आपको एक ही प्रोफाइल पर सालों तक रख सकता है। रूल नंबर 8, ट्रीट एम्प्लॉयज बेटर।
कई बड़े लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स इस थ्योरी पर विश्वास करते हैं कि एक एम्प्लॉय को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसा बर्ताव आप अपने ग्राहक के साथ करते हैं। अगर आप एम्प्लॉयज को खुश रख पाएंगे तो वो आपके ग्राहक को खुश रख पाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में 70-80% एम्प्लॉयज अपनी जॉब से नफरत करते हैं और इसका ज्यादातर श्रेय वर्क कल्चर, ऑफिस एनवायरमेंट और एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स को जाता है। इसलिए एक ग्रेट लीडर की पहचान है कि वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने से लेकर उन्हें महसूस कराए कि वो कंपनी के लिए बहुत बड़े एसेट है। इसके अलावा उन्हें अपने एम्प्लॉयज की काबिलियत पर विश्वास रखना भी जरूरी है। रूल 9, मेक थिंग्स हैपन। एक ग्रेट लीडर अपनी कंपनी के लिए कैप्टन ऑफ द शिप होता है। ऐसे में अपने टीम और वर्किंग आइडियाज को परफेक्ट सिंक में चलाने के लिए उसे 2 कदम आगे सोचने की जरूरत होती है। आप अगले हफ्ते कौन सी स्ट्रेटेजी पर काम करने वाले हैं, वो आज तय करना लीडर की फर्स्ट प्रायोरिटीज में से होना चाहिए ताकि काम ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा सके। दरअसल टीम हमेशा लीडर के गोल को फॉलो करती है, ऐसे में उसका सही रास्ते पर चलना जरूरी है। रूल 10, मेक श्योर एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू गो इन द सेम डायरेक्शन। आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी कि सभी को एक ही मत से सहमत करना और एक साथ लेकर चलना आसान नहीं है। ये काफी कुछ इंसान की कन्विंसिंग पावर पर भी निर्भर करता है। दरअसल हर प्रोफेशन में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो कुछ समय बाद इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। शुरुआत में दिल लगाकर काम करने के बाद वो ऊब जाते हैं। कई बार उनके विचार और क्रिएटिव आइडियाज कंपनी से मेल नहीं खाते, लेकिन एक ग्रेट लीडर ऐसे एम्प्लॉयज को भी एंगेज करके अपने एक्सपेक्टेशंस पर काम करता है और वर्किंग सिंक को बरकरार रखता है। रूल 11, अपग्रेड पीपल फॉर बेटरमेंट ऑफ बिजनेस। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इसी तरह वर्कप्लेस में कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो आपके वर्किंग अलाइनमेंट से मेल नहीं खाते या आपके विजन के अनुसार काम नहीं करते। ऐसे लोगों को परखना, उनके विजन और मोटिवेशन को जानकर उन्हें रखना या रिप्लेस करना भी लीडर को आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसे एम्प्लॉयज पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। रूल नंबर 12, प्रेज इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। इंसान गलतियों का पुतला है और एम्प्लॉयज से गलती होना लाजमी है। कई बार ये गलतियां ब्लंडर भी साबित हो जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति में सभी के सामने उनकी आलोचना करना पब्लिक ह्यूमिलिएशन को बुलावा देता है। एक अच्छे लीडर को सभी के सामने अपने एम्प्लॉयज की मेहनत और गुड वर्क को हाईलाइट करना चाहिए और अकेले में उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए। इस तरह एम्प्लॉयज खुद में सुधार करने का स्कोप बरकरार रख पाते हैं। रूल 13, मेंटल रेजिलियंस। मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस और पैनिक सिचुएशन में आम लोग गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन खुद को लीडर की तरह ट्रेन करने वाले लोग ऐसी स्थिति में दिमाग को ठंडा रखकर फैसला लेना जानते हैं। ये अपने मेंटल लेवल को काफी हद तक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल रखते हैं, क्योंकि इनका फोकस हमेशा क्लियर रहता है। बता दे कि एक लीडर अंडर प्रेशर कूल रहकर कितना शानदार काम करता है और अपनी टीम को कैसे गाइड करता है, ये उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। रूल 14, लिसन टू योर फ्रंट लाइन पीपल। एक अच्छा वक्ता होना कला है, लेकिन उससे बड़ी कला श्रोता होने की है। साफ शब्दों में कहे तो एक लीडर में बोलने के साथ सुनने की काबिलियत का होना भी जरूरी है। कई लीडर्स टीम को सटीक स्ट्रेटेजी की तरफ लीड तो करते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनना भूल जाते हैं और इसी कमी के चलते बड़े बड़े बिजनेस ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। इसीलिए एक अच्छा लीडर वही है जो इस बात का ध्यान रखे कि सबको बोलने का मौका मिल सके और उनकी समस्याओं का समाधान निकल सके। नंबर 15, लीडर्स शेप्स फ्यूचर ऑफ द कंपनी। एक लीडर पर हमेशा शानदार और सक्सेसफुल फ्यूचर को उभारने की जिम्मेदारी होती है। सही फैसले लेने से लेकर उसका चैलेंजिंग, कंफर्टेबल और अडैप्टेबल होना जरूरी है। दरअसल कंपनी एम्प्लॉयज बिजनेस में आने वाले बदलाव को परखने की पूरी समझ नहीं रखते, इसलिए भविष्य को बनाने और कंपनी को नए मुकाम पर ले जाने की जिम्मेदारी लीडर की ही होती है। अगर बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की और भविष्य को सोचने की कला किसी लीडर में नहीं है तो बिजनेस और कंपनी को चलाने में अड़चने आ सकती है। तो ये थी कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जो ग्रेट लीडर्स अपने करियर में उतारते हैं और रॉकेट की तरह स्पीड से सक्सेस की तरफ अपनी कंपनी को लेकर जाते हैं। अब आप इनमें से कौन सा रूल अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। बस जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके।